जय जोहार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज जियो शट डाउन रही। जियो सिम की बात कर रहा हूँ, ना ही आप जियो सिम से नेट चला सकते थे, ना ही किसी को फोन कर सकते थे, ना ही किसी को कॉल अटेंड कर सकते थे। हालांकि मुझे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों का पता है, हो सकता है कि पूरे देश के कई सारे जिलों में जियो शट डाउन रही होगी। आपको पता होगा लखीमपुर खीरी, जहां पर हमारे किसान भाइयों को भाजपा मंत्री के बेटे ने रोद दिया, उनकी हत्या कर दी, वहां पर भी जियो ने सबसे पहले ऐलान किया था कि नेट शटडाउन किया जाएगा और कॉलिंग शटडाउन की जाएगी, क्योंकि ये अंबानी कंपनी है और ये मोदी जी के इशारों पे काम करती है। पता था उनको अगर मोबाइलों को शटडाउन नहीं किया, अगर नेटवर्क को शटडाउन नहीं किया तो एक बड़ा मार्च या बड़ा रैली वहां पर हो सकती है। तो सबसे पहले ऐसी जियो ही वो कंपनी होती है जहां पर भी कोई हंगामा होता है तो सबसे पहले अपना नेटवर्क ऑफ कर देती है, क्योंकि उसे पता है इंटरनेट बहुत बड़ी पावर बन चुकी है और घर पर बैठे बैठे ही लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें मीडिया नहीं दे पाता है, चाटुकार दलाल मीडिया नहीं देता है, वो हम लोग दे देते हैं या फिर आप लोग ही दे देते हो। इसलिए जियो ऐसी हरकतें करता है और वो इसका ये भी कारण है कि भारत में कई सारे लोग जियो यूज़ करते हैं और यंग लोग तो ज़्यादा ही जियो यूज़ करते हैं, जो मोबाइल चलाना अच्छे से जानते हैं, वीडियो शूट करना या लिखना अच्छे से जानते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो जियो ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए जियो ऐसा करता है क्योंकि वो खबरें फैलाना नहीं चाहता जो कि मोदी जी के या फिर भारत सरकार के अगेंस्ट हो। तो आप इसको लेकर क्या कहोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जम्मू से एक बहुत बड़ी एट्रोसिटी की घटना सामने आ रही है। जम्मू के राजौरी जिले में गौरव राजौरी जो कि एक खेत के मालिक थे, उस खेत के ऊपर सवर्ण लोग कब्जा करना चाहते थे, सवर्ण समाज के लोग कब्जा करना चाहते थे। इसका विरोध किया गौरव राजौरी ने तो उन सवर्णों ने कुल्हाड़ी से हमला करके गौरव राजौरी को घायल कर दिया, और मतलब कुल्हाड़ी समझते हो ना, जो पेड़ काटने के काम आती है, उससे हमला करके यहाँ तक कि उनकी जान भी लेनी चाहिए, लेकिन जैसे तैसे वो बच गए। फिर उनको अभी GMSC हॉस्पिटल जम्मू में भर्ती किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दलित के खेत पर कुछ सवर्ण कब्जा करना चाह रहे थे और उसके ऊपर जानलेवा कुल्हाड़ी से हमला भी किया, लेकिन अभी तक जम्मू पुलिस ने उन कायर सवर्णों के ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं करी है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक की बता रहा हूँ, और ना ही अभी तक किसी की गिरफ्तारी करी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, भारत का कोई भी हिस्सा हो, दलितों के ऊपर जुल्म हो ही रहा है। यूपी हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, आसाम हो, दलित समाज के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। और ये खबर जम्मू से थी, जहाँ से बहुत ऐसी कम खबरें आती है कि दलितों का उत्पीड़न हुआ हो। तो गाइज अब तो लगता है मनुस्मृति इस देश में लागू होकर ही रहेगी और भाजपा वाले RSS वाले अपने मंसूबे में कामयाब होकर ही रहेंगे, लेकिन उनको रोक सकते हैं कौन? आप और मैं। कैसे? हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग अगर शेयर करोगे तो हम उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो से लोग जागरूक होंगे और उन्हें पता चलेगा तो वो विद्रोह कर देंगे। जैसा कि हमारे महापुरुष कहते थे कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास करा दो, वो विद्रोह कर देगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है और फेसबुक ग्रुप पे, और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। देखते रहिए तब तक भारत दस्तक।